उर्दू शायर मजरूह सुल्तानपुरी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के निजामाबाद में पैदा हुए थे। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। असरारुल हसन खान उनका मूल नाम था और उनकी आगे की शिक्षा इलाहाबाद और लखनऊ में हुई थी। मजरूह सुल्तानपुरी ने थोड़ा अरसा बतौर हकीम प्रैक्टिस भी की, लेकिन शेर व शायरी में बढ़ती दिलचस्पी ने उन्हें मुशायरों की जीनत बना दिया। ऐसे ही एक मुशायरे में जब वो 1945 में मुंबई पहुंचे तो वहीं के होकर रह गए। 1947 में मजरूह सुल्तानपुरी प्रगतिशील लेखक आंदोलन का हिस्सा बने और उर्दू अदब और फिल्मी नगमा निगारी को बराबर साथ लेकर चलते रहे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इंसानी जज्बात अपनी शायरी और फिल्मी गीतों में बड़ी खूबसूरती से पिरोए हैं। करीब 6 दशकों तक हर तरह के गीत लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी ने सभी सक्रिय संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनु मल्लिक, आरडी बर्मन, राजेश रोशन और एआर रहमान तक शामिल हैं। हम बेखुदी में तुम को पुकारे चल गए। करीब 350 फिल्मों के लिए 8000 से ज़्यादा गाने लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जीवन काल में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। रही ना रही